और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को मिली है धमकी। नागौर स्थित आवास पर धमकी मिली गई है। आपको बता दें कि बंद लिफाफे में बेनीवाल को धमकी मिली है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी मिली है। तो आपको बता दें कि नागौर स्थित आवास पर धमकी मिली गई है और यहां पर खाली लिफाफे में धमकी भरा पत्र मिला है। तो 17 जुलाई को विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी। आपको बता दें कि धमकी भरे पत्र में नारायण बेनीवाल को धमकी मिली गई है और साथ ही गाड़ी गायब होने के दिन से तमाम बातें लिखी गई है। कहा कि अगर बच सको तो बच लेना, जल्दी काम तमाम होगा। तो चेतावनी दी कि कब तक अपने परिवार को बचाओगे। साथ ही धमकी भरे पत्र के नीचे लिखा है कि जय सुपू। तो जय सुपू संगठन है और इसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है कि नागौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, पूरी जांच हो रही है। आरआरपी विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी मिली है। आपको बता दें कि बंद लिफाफे में धमकी मिली गई है, धमकी भरा पत्र लिखा है और कहा गया है कि खुद को बचा सको तो बचा लो। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरेज भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी मिली है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इस पत्र में लिखा है कि अगर बच सको तो बच लेना, जल्दी काम तमाम करेंगे। चेतावनी दी है कि कब तक अपने परिवार को बचाओगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से खबरें सामने आने की, अब यहां पर धमकी भरा पत्र मिला गया है, क्या कुछ अहम जानकारी है, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल को उनके नागौर स्थित आवास पर एक पत्र के जरिए धमकी मिली है। इस पूरे मामले में नारायण बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरी मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा जो है वो मोबाइल की कॉल डिटेलिंग से भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नारायण बेनीवाल ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पत्र में उन्हें धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, परिवार को भी खतरा उन्होंने बताया। इस पूरे मामले को लेकर नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी ने भी पुलिस के आला अधिकारियों की टीम गठित कर दी और पूरी टीम जो है इस पूरे मामले में जुटी हुई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने धमकी दी इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो पता लगाने का प्रयास कर रही है। जी सुशील, खबरें ये भी सामने आ रही है कि 17 तारीख को यहाँ पर विधायक की गाड़ी को भी चुरा लिया गया था, इसको लेकर क्या जानकारी और इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी, नारायण बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बताया था कि उनकी एक कार भी गायब हुई है और उसमें उनका एक मोबाइल भी था। इस पूरे मामले को लेकर भी उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। इसके साथ ही पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए जांच कर रही है। जी सुशील, जिस तरीके से ये बड़ी चेतावनी भी इसमें दी गई है कि खुद को बचाना हो तो बचा लेना, इस तरीके से धमकी भी दी गई है। साथ ही अगर सुरक्षा के लिहाज की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है विधायक के घर पर? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह से विधायक को धमकी मिली है, ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर नागौर के अंदर भी सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी सहित ही नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। विधायक की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाना है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि विधायक को धमकी मिली है, ऐसे में जो है वो पुलिस के आला अधिकारी है वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसके साथ ही पता करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की जो अन्य टीमें हैं वो भी इस पूरे मामले में लगी हुई नजर आ रही है। जी सुशील, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।